ऑनलाइन हिंदी क्लास। बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको पार्ट 3 स्वावलंबन का आधा लेसन पढ़ाया था, अब हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 17, ओपन योर बुक। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि स्वावलंबन ही आगे बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग है। स्वावलंबन के माध्यम से ही बोधदेव संस्कृत के महान विद्वान बने और किस नाम से प्रसिद्ध हुए? भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण गुरु द्रोणाचार्य ने जब भील कुमार एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, उन्होंने क्या करा? अपने आप ही धनुर्विद्या का अभ्यास किया और एक दिन कुशल धनुर्धर हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने ऊपर विश्वास कर स्वयं धनुर्विद्या सीख ली। तीसरा एग्जाम्पल मौर्य पुत्र जो साधन विहीन चंद्रगुप्त स्वावलंबी था। चंद्रगुप्त का एग्जाम्पल दे रहे कि वो साधन विहीन होता फिर भी मौर्य साम्राज्य का राजा बना, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर सिकंदर के सेनापति सेलूकस के यूनानी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब देकर क्या करा? उन्हें अपने देश लौट जाने के लिए विवश कर दिया। यह स्वावलंबन का ही चमत्कार था जिसने यूरोप के महान योद्धा नेपोलियन को अपने देश की मान रक्षा का पाठ पढ़ाया। देखो नेपोलियन जो था योद्धा, उसको स्वावलंबन नहीं तो मान रक्षा का पाठ पढ़ाया। स्वावलंबन के बल पर ही वो आगे बढ़ा। स्वावलंबन की नौका पर सवार होकर प्रतिदिन तैर कर गंगा की धारा को पार कर पाठशाला तक पहुंचने वाला विद्यार्थी कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। बड़ा होकर संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऐसा प्रधानमंत्री बना। गरीब परिवार में जन्म हुआ था और अपने स्वावलंबन के बल पर ही वो आगे बढ़े, जिस पर देशवासी क्या करते हैं आज भी गर्व करते हैं। हॉकी का जादूगर कौन है बच्चों? ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद स्वावलंबन के स्कूल का ही विद्यार्थी था, यानी जो ध्यानचंद जी थे हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस थे, तो वो भी स्वावलंबन के बल पर ही आगे बढ़े। स्वावलंबन के बल पर ही क्रिकेट के मैदान में अपना कौशल दिखाने वाला मास्टर ब्लास्टर कौन? सचिन तेंदुलकर। एक दिवसीय मैचों में 17,000 रनों की ऊंची और विशाल मीनार खड़ी करने में समर्थ हुआ। जो सचिन तेंदुलकर ने उन्होंने एक दिवसीय मैच में 17,000 रन बनाए और ये किसके बल पर बनाए? स्वावलंबन के बल पर। तो बच्चों स्वावलंबन के बल पर व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने जीवन में सफल हो सकता है और अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर, APJ अब्दुल कलाम, भील कुमार एकलव्य, इनका मैंने आपको उदाहरण दिया। ये स्वावलंबन का ही कमाल है कि महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से गेंद की धुनाई कर डालता है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी स्वावलंबन के बल पर ही तो बल्ले से गेंद की धुनाई कर डालता है। टेनिस कोर्ट की राजकुमारी कौन है? सानिया मिर्जा का जीवन स्वावलंबन की कहानी है। देश के महान वैज्ञानिक भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन बच्चों बताओ कौन है? APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने भी स्वावलंबन के पथ के पथी के, यानी ये भी स्वावलंबन के बल पर ही जीवन में आगे बढ़े। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन स्वावलंबन के बल पर ही वो आगे बढ़े। टर्न योर पेज, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। आत्मविश्वास, इस लाइनों को आप अंडरलाइन करें। आत्मविश्वास, स्वाभिमान, उत्साह और कर्मठता स्वावलंबन रूपी सहायक महानदी की सहायक नदियां। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वावलंबन रूपी महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, तो आप लिखेंगे आत्मविश्वास, स्वाभिमान, उत्साह और कर्मठता। ये गुण स्वावलंबी के पास स्वयं ही चल कर आते हैं। जो स्वावलंबी मनुष्य होता है ये गुण उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। स्वावलंबन की राह पर चलने वाला राही हृदय सदा आनंद से भर रहता है। जो व्यक्ति स्वावलंबन की राह पर चलता है वो सदा आनंद मग्न रहता है। स्वावलंबन जीने की वह कला, इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। स्वावलंबन जीने की वह कला है जो विषम परिस्थितियों का साहस और दृढ़ता से सामना करना सिखाती है। यानी स्वावलंबन क्या है? जीवन जीने की एक कला है कि मनुष्य के सामने कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए लेकिन वह उनके सामने दृढ़ता से खड़ा रहता है और उनका सामना करता है। जीवन संग्राम को स्वावलंबन के अमोघ अस्त्र से ही जीता जा सकता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें कि जीवन के संग्राम को किससे जीता जा सकता है? स्वावलंबन के अमोघ अस्त्र से ही जीता जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे क्रिकेट का हो,
चाहे अध्यापन का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थियों के जीवन में हो, तो ये सब जो है लोग स्वावलंबन के बल पर ही आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी के लिए स्वावलंबन का विशेष महत्व होता है, अंडरलाइन करेंगे कि विद्यार्थी के जीवन में स्वावलंबन का विशेष महत्व होता है। अगर विद्यार्थी स्वावलंबी नहीं है तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वो सोचेगा कि मेरे दोस्त ने पाठ याद कर लिया तो मैं भी पास हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी को नंबर मिलेंगे। वास्तव में स्वावलंबन का पाठ पढ़े बिना उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो मैं भी आपको स्वावलंबन पाठ पढ़ा रही हूँ और आप उसको जो है पढ़े नहीं, ढंग से याद नहीं करें और इसी के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आ गए तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं। इस पाठ को हृदयंगम करने वाला विद्यार्थी जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। स्वावलंबी छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कभी नहीं करता। मैंने आपको बताया कि जो स्वावलंबी छात्र होते हैं अपने जीवन में कभी भी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, वो नकल नहीं करेगा। जीवन की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग वही अभागा करता है जिसने स्वावलंबन के महत्व को समझा नहीं। यानी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग वही करेगा, चिट लेके आएगा, नकल करेगा, कौन करेगा? जिसने स्वावलंबन के महत्व को नहीं समझा। तो हमारा प्रत्येक विद्यार्थी से अनुरोध है स्वावलंबन के महत्वपूर्ण अध्याय की अवहेलना न कर इसका ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। बच्चों आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आपने इस पाठ से क्या सीख ली? इस पाठ से ये सीख ली कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में स्वावलंबी बनना चाहिए। स्वावलंबी के बिना वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने आपको शब्दार्थ करा दिए, शब्दार्थ आप कॉपी में करेंगे। अब छोटे वाले जो आंसर है मौखिक वाले आपको मैं बता रही हूँ। हमारे जीवन की आधारशिला क्या है? अब क्या की जगह आप क्या लिखेंगे? स्वावलंबन। तो आपका आंसर बना हमारे जीवन की आधारशिला स्वावलंबन है। आगे बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? क्या कोट आके आप क्या करेंगे? स्वावलंबन लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? आगे बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग स्वावलंबन है। कौन तैर कर पाठशाला पहुंचता था? मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन की जगह आप लिखेंगे? लाल बहादुर शास्त्री तैर कर पाठशाला पहुंचते थे। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? किसे की जगह क्या आएगा? ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद जी को कहते हैं। बच्चों आपका ये थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया। आप कॉपी में क्वेश्चन आंसर लेंगे मौके। अब आपको मैं सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए ये करा रही हूँ। बच्चों पेज नंबर 19 देखेंगे और अपने बुक पर टिक करेंगे। किसने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया? सही ऑप्शन है गुरु द्रोणाचार्य ने। फर्स्ट पर आप टिक लगाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। थर्ड ऑप्शन है राइट, इस पर सही लगाइए। गवाला हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? जस्ट पढ़ाया मैंने हॉकी का जादूगर है ध्यानचंद। आप सेकंड जो ऑप्शन है उस पर राइट लगाइए। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम। फर्स्ट ऑप्शन पर राइट लगाइए। और नेक्स्ट लास्ट वाला है, फिफ्थ वाला हमारा। किसान ने पहली बार फसल काटने के लिए किसे बुलाने को कहा? किसको बुलाने को कहा बच्चों? पड़ोसियों को। तो आप थर्ड ऑप्शन पे राइट करेंगे। बच्चों मैंने मौखिक और टिक द करेक्ट आपको करवा दी है। जो आपके लिखित वाले क्वेश्चन है वो पीडीएफ पे मैं सेंड कर दूंगी और आप वर्क